पानीपत में आजकल स्वास्थ्य विभाग की मेहनत रंग लाने लगी है और आए दिन लिंग जांच के मामलों को पकड़ने में सफलता मिल रही है। आज पानीपत के सराना थाना के अंतर्गत स्थित एनसी कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की छापेमारी। छापेमारी के दौरान एक महिला, दो दलाल सहित चार लोगों को लिंग जांच करते स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से किया काबू। दो अल्ट्रासाउंड मशीनों को स्वास्थ्य विभाग ने सील कर मशीनों की मान्यता की रद्द। डिप्टी सीएमओ की शिकायत पर कॉलेज चेयरमैन, मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर मंजरी सहित नौ लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार पानीपत राजवीर सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि सराना में रहने वाले मुकेश पुत्र महावीर निवासी सोनीपत, जो लिंग जांच करवाने का काम करता है। दो दिन हमने सोनीपत लगाए हैं, शुक्रवार को और मंडे को, और उसे टाइम देते रहे कि कल करेंगे। आज का टाइम दिया गया था इसने, तो मैं अपनी पूरी टीम थी मेरे पास, डिप्टी सीएमओ, रेजी डॉक्टर, पुलिस, हम सारे इकट्ठे थे। तो सवेरे 9:30 बजे एनसी मेडिकल कॉलेज में एंट्री कर गए मरीज, तो हमने वहाँ जाल बिछाने के बाद जब कार्रवाई शुरू करी तो हमने उसको उसी टाइम मौके पर अरेस्ट पकड़ लिया। पानीपत से अजार टीवी न्यूज़ के लिए सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।